हेलो फ्रेंड्स, किम छो मजा मा। तो फ्रेंड्स, आज का जो चिकन रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप बिना देरी किए दिल थाम के बैठ जाइए और आप वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, मिस बिल्कुल ना कीजिए, नहीं तो आप अच्छे से इसको ना देख पाएंगे और ना ही इजी तरीके से आप इसे बना पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बगल में लगे उसे प्रेस कर दीजिए। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने चिकन बनाने से पहले चिकन को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और सब कुछ आप देख सकते हो मैंने काट लिया, कुछ भी मैंने इसमें नहीं पीसा है, नहीं मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड किया। तो तेल मैंने पहले से गर्म कर लिया, इसमें मैंने तड़के के लिए जीरा और थोड़ा दालचीनी मैंने डाला है और सूखा मिर्चा, और यहाँ पर मैंने हरे हरे प्याज लहसुन हरी मिर्च एक सरदार को सबको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसी में हमको फिर इसी में एक ही साथ चिकन को ही डाल देना है। आप देख सकते थे बहुत इजी तरीके आपको बता रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चिकन भी बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। और फिर इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 1 पैक एवरेस्ट मसाला, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने 1 पैकेट एवरेस्ट मसाला लिया है, फिर मैंने यहाँ पे डाल दी हल्दी और फिर मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और फिर इसको हम अच्छे से मिला देंगे गैस, अच्छे से मिला देंगे अच्छे से। और गैस का जो फ्लेम है आपको मीडियम में रखना है और फिर इसमें डाल देंगे लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसको अच्छे तरह से मिला देंगे, मिलाने के बाद इसको हम ढक देंगे ढक्कन से गैस, और एकदम मीडियम फ्लेम पे ही इसको मुझे पकाना है। फ्लेम बहुत धीरे धीरे आप देख सकते हो गैस का फ्लेम मैंने एकदम मीडियम कर लिया है। अब इसको धीरे धीरे पकाना है, फिर बीच में एक बार इसको चला देना है। तो अच्छे से चलाने के बाद फ्रेंड्स इसे हमें फिर से ढक देना है और फिर मीडियम आँच पर ही इसको पका लेना है, जब तक इसका तेल छोड़ ना दे। और जब तेल छोड़ देगा गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत धीमी आंच से पकाने के बाद ये तेल छोड़ दिया। आप देख सकते हो प्याज लहसुन मैंने जितना जो कुछ मैंने डाला था बहुत इजी से देखिए गल भी गया है। और फिर हम अपने हिसाब से यहाँ पे पानी डाल देंगे, आपको जैसा आपको ग्रेवी चाहिए अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो। फिर थोड़ा चला देने के बाद इसका फिर अभी हमें क्या करना है, गैस को लगा देना है, यानी कि सीटी लगा लेना है। ये देखो गैस इस तरीके से, तो आपको इसमें सीटी नहीं लगाना है। जब हल्का सा सूर सूर की आवाज़ करता हो देख सकते हो उसका आवाज़ मिल रही होगी, और फिर इसका गैस का फ्लेम कर देना है बंद और हमें इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। तो आप देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा आया है गैस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।